सुपर स्ट्रक्चर को इस सुपर स्ट्रक्चर में जो आपका वजन बांटने के लिए देख पा रहे होंगे, इतना लगाया गया है। लॉन्चिंग मशीन यही है, इस पर कि वहाँ पे वेल्डिंग वगैरह सब किया जा रहा है। सकता है कि ये जो टाना गया है ये टूट गया होगा। हे ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल, सत श्री अकाल, कैसे आप लोग? होप करते हैं गाइस कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खाते पीते होंगे। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं सुल्तानगंज अगवानी गंगा ब्रिज का जो है अपडेट, उसे लेने के लिए, उसे देखने के लिए। सो गाइस, आज हम आप लोगों को जो पिलर नंबर 1 और 2 में जो सुपर स्ट्रक्चर लगाया जा रहा है वो आप लोग को अभी हम दिखाएंगे। सो गाइस, तो चलिए। और गाइस, एक चीज़ बोल रहे थे कि अंग अपडेट के नाम से एक न्यूज का जो है अपडेट डेली बेसिक पे सुबह सुबह मॉर्निंग में निकालने वाले हैं, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं जितना भी लोकल एरिया है उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। सो गाइस, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताया करें कि ये चीज़ जो हम सोचे हैं, जो चीज़ हम लॉन्च करने वाले हैं मॉर्निंग में, ये चीज़ सही है या नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ 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 सजेस्ट करें कमेंट में और बताएं कि ये कितना सही है। तो सो चलिए देखते हैं कि क्या अपडेट है आज का। हम लोग आ चुके हैं पिलर नंबर 3 और 20 के पास, 3 और 2 के पास जो सुपर स्ट्रक्चर लगने को है, देख पा रहे होंगे कि अभी इसे एक जगह पे असेंबल किया गया है। इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि वो दोनों के बीच में आप लोगों को जगह दिख रहा होगा। सो गाइस, उसे टान के, मतलब एक हम लोग बोल सकते हैं, ये जितना भी ब्रिज आप देख पा रहे हैं ये टोटल टाना पे बनाया गया है। तो जिस कारण से देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इसे खाली जगह पर रखा गया है ताकि इस पर ढलाई करके इस सुपर स्ट्रक्चर को इस सुपर स्ट्रक्चर में जोड़ा जाए, दोनों सुपर स्ट्रक्चर को एक दूसरे में जोड़ा जाए, जिस कारण से देख पा रहे हैं थोड़ा सा इसमें गाइस जगह छोड़ा गया है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ये सुपर स्ट्रक्चर का डिज़ाइन अलग ढंग का है और ये अलग ढंग का है, देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे जो पिलर नंबर देख पा रहे होंगे 2 है, यहाँ पे दिख रहा होगा पिलर नंबर 2 से पिलर नंबर 3 के बीच में जो सुपर स्ट्रक्चर जोड़ने का काम चल रहा है उसी का देख पा रहे हैं। इसे अब जल्द से जल्द 1 महीना के अंदर ही इसको असेंबल कर लिया जाएगा। देख पा रहे होंगे जितना भी होंगे कि सुपर स्ट्रक्चर लगने से पहले सेंटरिंग बांधा जाता है, देख पा रहे होंगे पूरा सेंटरिंग को बांध दिया गया है। अब इस पर सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर को लटकाया जाएगा, बांधा जाएगा और टाना से इसे टाना जाएगा और चिपकाया जाएगा, बस इतना ही काम बचा हुआ है। और ऊपर का जो देख पा रहे होंगे बैरियर, वो सिर्फ बचा हुआ है, तो वो बाद में जब इसे पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा ये पूरा फेज को, उसके बाद ही इसे कंप्लीट किया जाएगा। सो गाइस, इसलिए मिलते हैं गाइस के नीचे बहुत बड़ा बड़ा प्लेट दिया गया है, सिर्फ इस जो पिलर जो मेटल का जो बनाया गया है टावर जैसा देख पा रहे होंगे हर जगह पे, तो सभी पे सुपर स्ट्रक्चर को रखा जाएगा, जिसका वजन बांटने के लिए देख पा रहे होंगे इतना लगाया गया है, ताकि जब इसे टाइट किया जाएगा, पूरा फिट किया जाएगा, तब इसे कोई तरह का दिक्कत ना हो सुपर स्ट्रक्चर में। देख पा रहे होंगे उधर भी अभी बहुत सारा लग चुका है, तो चलिए देखते हैं आगे और मिलते हैं। बता दूँ कि जो अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो सुल्तानगंज के तरफ से है, और रही बात अगवानी का तरफ से, तो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग इसके बाद जो सीरीज आने वाला है सुल्तानगंज अगवानी ब्रिज का, तो भाई अगवानी साइड का ही रहने वाला है। सो आप लोग एकदम कंफर्म रहे हैं कि अगला इसके बाद जो सुल्तानगंज अगवानी ब्रिज का आएगा ब्लॉग वो अगवानी इधर का रहेगा। उसके बाद जो है अगवानी अप्रोच रोड का क्या काम हुआ है नहीं हुआ है उसका भी ब्लॉग उसके अगले ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, चलिए देखते हैं। पा रहे कि हम लोग पिलर नंबर 3 और 4 के पास पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे देख पा रहे कि बस सिर्फ 2 सुपर स्ट्रक्चर जोड़ने के लिए यहाँ पे बचा हुआ है। सो गाइस, देख पा रहे कि नीचे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, और जल्द ही ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर लगने को है, जब ये प्लेटफॉर्म बन जाएगा, देख पा रहे पूरा समतल किया जा रहा है, बस इधर ही मिट्टी डाला है कल या परसों, तो जब ये प्लेटफॉर्म पूरा तरीका से तैयार हो जाएगा, सो गाइस उसके बाद यहाँ का जो सुपर स्ट्रक्चर जोड़ने का काम है वो किया जाएगा। सो अब हम लोग चलते हैं पिलर नंबर 5 और 6 का पास, और देखते हैं वहाँ पे। अभी हम लोग आ चुके हैं 4 और 5 जो पाया नंबर है वहाँ पर, और देख पा रहे होंगे वहाँ पर भी सुपर स्ट्रक्चर जोड़ने का जो काम है वो स्टार्ट कर लिया गया है। देख पा रहे होंगे यहाँ पर बैरिकेडिंग कर लिया गया है, इसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि ऊपर जो है वो काम हो रही है, जिस कारण से नट वगैरह सब या कोई भी तरह का मेटल गिरने के बाद दुर्घटना घट सकता है, जिस कारण से हम लोग उधर एंट्री नहीं कर पाएंगे। देख पा रहे होंगे बैरिकेडिंग कर लिया गया है, तो और इसमें जो सुपर स्ट्रक्चर जोड़ने का जो काम है वो जल्द ही
कर लिया जाएगा। और गाइस सुनने में आ रहा है कि सावन माह जो है ये जो सुल्तानगंज अजगैबी धाम में जो मेला लगती है सावन का मेला, तो उस दिन तक मतलब सावन तक बोला जा रहा है कि इस पुल को कंप्लीट कर लिया जाएगा। सो गाइस चलिए मिलते हैं आप लोगों से आगे। अभी हम लोग आ चुके हैं पिलर नंबर 4 और 5 के पास जो सुपर स्ट्रक्चर को जोड़ा जा रहा है, देख पा रहे होंगे वहाँ पे काम चल रहा है जोड़ने का, तो थोड़ा सा सूरज का लाइट आएगा। सो गाइस आप लोग थोड़ा सा मैनेज करें। और इधर देख पा रहे होंगे लॉन्चिंग मशीन यही है, इसी से लॉन्च किया जाता है, मतलब जो सुपर स्ट्रक्चर है उसे जोड़ने का जो काम है इसी मशीन के द्वारा किया जाता है, और टाना जो टाना जाता है उसे भी इसी मशीन के द्वारा टाना किया जाता है, देख पा रहे होंगे। सो गाइस अभी हम आप लोग को 4 नंबर पिलर पे कुछ काम चल रही है तो वो दिखाते हैं, और वहाँ पे जो काम चल रही है उसका जो प्रोडक्ट है, वहाँ पे जो सामान लग रहा है उस सामान का डिटेल इस पिलर के पास, इस सुपर स्ट्रक्चर के पास आप लोग को अभी दिखाते हैं। सो पा रहे होंगे कि वहाँ पे वेल्डिंग वगैरह सब किया जा रहा है। और गाइस थोड़ा सा आप लोग को इधर दिखा दूँ तो वहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कुछ वर्कर काम कर रही है, तो वहाँ पे जो है वो वाइट वाला जो देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये केबल जो ऊपर से नीचे जो टाना है, टाना जा रहा है, तो उसी का काम उधर हो रहा है। सो गाइस उसके बारे में यहाँ पे हम आप लोग को इस पिलर के पास बताते हैं, तो चलिए मिलते हैं। सो गाइस जैसा कि हम आप लोग को बताएं कि सुपर स्ट्रक्चर को जोड़ा जाता है, देख पा रहे होंगे कि अभी भी इसमें गोंद वगैरह सब है वो नहीं डाला गया है, और अभी इधर के पार्ट जो है वो प्रोसेस हो चुका है और इधर का जो पार्ट है वो प्रोसेस में। सो अभी जो वर्कर हैं उनसे ही पूछते हैं ये कब तक जुट जाएगा। एक सप्ताह में हो जाता है। अच्छा एक सप्ताह, और इसमें मतलब पूरा जोड़ने में कितना दिन लग जाएगा? बस एक दिन लग जाता है। एक दिन में ये मशीन है यहाँ जोड़ता है, ये सब मशीन है, इसी के द्वारा टाइट करके गोंद लगा के बढ़िया से ना किया जाता है। और गोंद का जो डब्बा वगैरह सब आता है वो कहाँ पे, वो दिखा सकते हैं? मशीन वहाँ के आलम मर पर है, वहाँ से आएगा यहाँ इसमें। हाँ। मिलाएगा इसमें। अच्छा। फिर वो पन्नी से फिर हाथ में मिला के फिर इसमें सटाएगा, फिर अच्छा फिर यहाँ चिपकेगा। अच्छा जैसे ये चिपका हुआ है वैसे ही इसे चिपकाया जाएगा, मतलब छोटा वाला जो डब्बा है उसमें बड़ा वाला को दोनों को मिक्स करके सुपर स्ट्रक्चर को जोड़ा जाता है। सो गाइस देख पा रहे होंगे कि ये जो व्हाइट वाला आपको पाइप दिख रहा है बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही बेहतरीन काम करता है, देख पा रहे होंगे पूरा व्हाइट एक दूसरे मतलब जो पंख के टाइप पे फैला हुआ रहता है उसी तरीका से इसे डाला जाता है। और इसमें जो केबल है आप लोग को हम दिखाए केबल, जो केबल है वो टोटल पुल का जो वेट है बांट दिया गया है, देख पा रहे होंगे कि आधा भार जो है ये बड़ा वाला केबल में है और आधा भार जो है ये जो पिचिंग किया गया है इसके अंदर केबल बिछाया गया है आधा, तो दोनों का जो भार है वो आधा आधा बांट दिया गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो केबल गया हुआ है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो ढला है सुपर स्ट्रक्चर का जो ढला है उसे तोड़ के यहाँ पे देखा गया है कि क्या है नहीं है, देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से हो सकता है कि ये जो टाना गया है ये टूट गया होगा, तो जिस कारण से यहाँ पे तोड़ के देखा गया है, देख पा रहे होंगे। तो ऐसा बोला जा रहा है कि 4 नंबर पिलर पे भी किया जा रहा है, मतलब जहाँ पे जो टाना है वो जहाँ पे फंस जाता है तो जोर जबरदस्ती करके इसे डाला जाता है जिस कारण से जो टाना है वो टूट जाता है, तो उसके बाद इसे खोद के फिर चेक किया जाता है कि क्या है नहीं है, देख पा रहे होंगे। तो देख रहे होंगे यहाँ पे कि भाई ब्रिज के ऊपर से दिखाएं कैसा दिखता है, तो गाइस देख पा रहे होंगे कि आप लोगों को लास्ट जो गंगा जी का जो पिलर है 5 नंबर पिलर है वहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर लगने का जो काम है वो आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिल गया। सो गाइस कमेंट में आप लोग बताएं करें कि जो अपडेट है सुल्तानगंज अगवानी ब्रिज का कैसा लगा, तो होप करते हैं गाइस कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो प्यार से एक लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसा एक मस्त वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।